एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिली होंगी रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी, द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, जिससे आप 100 स्कोर कर सकते हो। दिस वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे माइंडसेट की, बिकॉज जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स जो हैं वो नज़दीक आते हैं, हम ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे आसपास हो रही होती हैं जिससे हम ना फोकस कर पाते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल होते हैं एंड हम अपना माइंडसेट प्रॉपरली नहीं एक जगह पर लगा पाते हैं। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपना जो विजन है उसे क्लियर रखो कि एक्चुअल में मुझे फुल स्कोर करना है। अगर आपकी जो टर्म वन है वो अभी आ रही है, सो डिसाइड कर लो कि 40 मार्क्स का अगर सपोज वो है, या 30 या 50, बिकॉज हर बोर्ड में अलग अलग मार्क्स के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो अपना टारगेट सेट कर लो दैट यू हैव टू स्कोर फुल, चाहे 40 हो चाहे 50 हो, मुझे स्कोर करना है फुल। चाहे वो आपके मार्क्स जो हैं वो फुल आए या ना आए, वो है सेकेंडरी चीज़। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं 100 स्कोर कर लूँगी, बट मैंने जो अपना टारगेट था ना वो हमेशा 100 का ही रखा था। मेरे जितने भी टीचर्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि आज तक ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि किसी भी एक स्टूडेंट के PCM तीनों में ही 100 मार्क्स आए हों, बिकॉज इवन हमारे टाइम पे जो हाईएस्ट परसेंटेज गई थी हमारे बोर्ड में वो थी 96 एंड मेरी थी 94.6 एंड आई वॉज फिफ्थ इन उत्तराखंड। पूरे उत्तराखंड में फिफ्थ पोजिशन थी एंड जो मार्क्स थे PCM में वो 100 हैं, बाकी आपको पता है कि कहाँ कहाँ मार्क्स कम थे। तो यहाँ पे जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं तीनों में ही 100 स्कोर कर पाऊंगी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैथ्स में भी इवन मैं 100 स्कोर कर पाऊंगी। बस ये था कि मैंने अपना एक माइंडसेट बना लिया था कि मुझे हाँ 100 स्कोर करना ही है, वो आए ना आए उससे ये मुझे कुछ नहीं था। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 90s में आ जाए परसेंटेज, आई वुड बी सैटिस्फाइड। तो अपना विजन क्लियर रखो सबसे पहले तो, कि डिसाइड कर लो आपको 100 स्कोर करना है या फिर फुल स्कोर करना है। एंड ये मत सोचो कि आने ही आने हैं, बिकॉज जब आप ये सोच लोगे कि आने ही है वो एंड उस पर एफर्ट्स ही पुट नहीं करोगे एंड फिर वो अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा फिर आप खुद ही डीमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपना टारगेट सेट कर लो, मुझे 40 लाने हैं तो लाने हैं, फुल लाने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है बाद में नहीं आए तो डीमोटिवेट हो गए। बस अपना टारगेट अभी से सेट कर लो। एंड ये सिर्फ मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जो फुल स्कोर करना चाहते हैं, देयर वुड बी मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो सपोज आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है, तो एटलीस्ट अपना 25 का टारगेट तो रखना ही। ये जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे होंगे कुछ ऐसी कैटेगरी में होंगे जिन्हें फुल स्कोर करना है, किसी को सिर्फ पास होना है, किसी को 80 अराउंड परसेंटेज लानी है। तो एटलीस्ट ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो स्टूडेंट्स बिल्कुल पास होना चाहते हैं, कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो 25 का टारगेट तो अपना सेट करना ही। तो अपना विजन क्लियर रखो सबसे पहले, कितना आपको स्कोर करना है, कितनी परसेंटेज आपको चाहिए है। अगर आपको 90s में परसेंटेज चाहिए है ना, अपना टारगेट हमेशा फुल का ही सेट करना, वो आए ना आए वो सेकेंडरी चीज़ है, बट अपना टारगेट उसी का आप सेट करना। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हैं अपने फ्रेंड्स को देख के। सपोज़ आपका कोई टॉपर फ्रेंड है एंड वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग कि मैं तो उतना पढ़ भी नहीं रहा हूँ या फिर पढ़ भी नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे स्कोर कर लूँगी, वो तो टॉपर है उसी को टॉप करना है, मुझे ना मैं उससे कम्पीट कर सकता हूँ ना मेरी इतनी परसेंटेज आने वाली है। सो सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल लो कि कोई टॉपर है बस वही स्कोर कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। आई ऑनेस्टली हैड स्कोर्ड अराउंड 40s मैथ्स में, जिसमें मैंने 100 स्कोर किया। मैंने एक टाइम पे 40s में स्कोर कर रखा था व्हेन आई वाज इन 6th एंड अगर आप चाहोगे कभी मैं आपको वो भी शो करूंगी। सो ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, एक्चुअल में मेरे 40s में मार्क्स आए थे, बट उसके बाद जैसे आप अपना माइंडसेट कर लेते हो ना, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स यार, कभी हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि हम ना बस डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं एंड हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं हमारा जो एंड गोल है वो क्या है। मेरा था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, आई वॉन्ट टू मेक देम फील कि उनकी बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। सो ये मेरा एंड गोल था। अपना डिसाइड करो, जब आपको वो याद रहेगा ना कि आपका गोल क्या है, वाई आर यू स्टडींग, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, अगर आपको अपना एंड गोल याद रहेगा ना तो कभी भी आप उस चीज़ से भटकोगे नहीं। अगर भटकोगे भी तो कुछ टाइम बाद डेफिनेटली आप उसमें वापस आ जाओगे। तो सबसे पहले तो टॉपर्स को नहीं देखना है या किसी भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखना है जो बहुत पढ़ रहा है। जब मैं क्लास 12th में थी, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, यू वोंट बिलीव, दे यूज़ टू वेक अप एट 3 एंड वो 11 या फिर 12 रात के पढ़ते ही थे एंड 3 AM पे। उनको देख के मैंने कहा मैं कहाँ 8 बजे उठती हूँ और ये लोग 3 बजे उठ रहे हैं, तो मैं तो यार कहीं भी स्टैंड नहीं करती हूँ, ये लोग इतना पढ़ रहे हैं। जब भी हम क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते थे मुझे वो नहीं आते थे एंड वो लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते थे।
तो आई यूज़ टू बी लाइक यार ये लोग इतना कर रहे हैं, अब तो मैं रेस में बहुत पीछे हो गई हूँ, अब मैं स्कोर नहीं कर सकती हूँ। बट उसके बाद आई टॉक टू माई मदर, शी टोल्ड मी कि आपको खुद को ना कभी भी कंपेयर नहीं करना है किसी से भी। सो दिस इज़ द थिंग जो मैं आपसे भी कह रही हूँ, कभी भी ना खुद को कंपेयर मत करो किसी से भी, बिकॉज आप जो हो वो आप खुद हो। मुझे बहुत मैसेजेस भी आते हैं कि दी आप इतना कर लेते हो, हमसे पढ़ाई ही नहीं हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, देर आर मेनी पीपल आई लुक अप टू। मैं सोचती हूँ कि यार वो लोग इतना कर पा रहे हैं, मैं तो फिर भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो हर किसी का होता है यार ये, बट आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आई लुक अप टू मेनी पीपल बट आई नेवर कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। तो इसीलिए आपको कभी कंपेयर नहीं करना है, खुद को देखो कि आपकी क्या पोटेंशियल है, आप कितना कर सकते हो, कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना है। मुझे बहुत मैसेजेस भी आए थे, तभी भी अगर मैं किसी का रिप्लाई कर देती हूँ तो मैं डेफिनेटली उनसे भी यही कहती हूँ, कभी कंपेयर मत करो। बस आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है दैट दिस इज द डू और डाई सिचुएशन फॉर मी। अभी आपने अगर कर लिया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे टर्म वन में, चाहे अभी तक आपने कितनी भी प्रिपरेशन करी हो। मेन जो होता है ना वो एग्जाम के एक या दो महीने पहले के ही होते हैं। अभी आपके पास एक महीना ही है, ये अक्टूबर का महीना ही है, ये सोच लो, बिकॉज मिड नवंबर से कहा गए हैं मे बी नवंबर के स्टार्टिंग से हो जाएं, और अगर नहीं भी होंगे तो आपको 15 डेज एटलीस्ट आपके रिविजन के लिए चाहिए ही होते हैं। तो इसीलिए अभी से अपना माइंड सेट प्रॉपरली बना लो एंड अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। चाहे पहले जितनी भी प्रिपरेशन करी है, अगर सपोज 7 चैप्टर्स हैं, किसी ने 3 कर लिए हैं, वो 4 बचे हैं, तो सबसे पहले तो उन 4 को कंप्लीट करो। उसके बाद देन जैसे ही आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, तो MCQs उसके डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। पहले सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस कंप्लीशन, उसके बाद होता है हमारा जितना भी रिविजन एंड ऑल होता है। तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है, और ये नहीं कि बस कंप्लीट कर दिया, आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट आने चाहिए हर एक चैप्टर के। दिस इज हाई टाइम, अभी अक्टूबर आ गया है, नवंबर से आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। अगर आपने अभी नहीं कराना तो बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा। एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, हर किसी को ना कभी मोटिवेशन चाहिए होता है। मेरी लाइफ में हर चीज़ स्मूथ नहीं चलती है, ना आपके लाइफ में चलती होगी, ऐसा हर किसी के साथ होता है। बट वी ऑलवेज नीड समवन जो हमें गाइड करे, जो हमें बताए कि यार ये चीज़ सही है, ये गलत है। बहुत लोग मुझे मैसेजेस करते हैं पर्सनली, जितना होता है मैं उतना रिप्लाई कर देती हूँ, बट आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज मुझे खुद उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, मेरी खुद की भी बहुत बिजी लाइफ चलती है। सो आई एम रियली सॉरी। और बाकी आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रखा है, इट्स हाई टाइम अभी से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर सकते हो, अभी से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड अभी अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं करा है तो कोई ईजी चैप्टर पकड़ लो। सपोज अगर आप मैथ्स कर रहे हो, मैट्रिसेस ले लो, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है तो वो वाला ले लो, सबसे ईजी पड़ता है मैट्रिसेस, तो उससे स्टार्ट कर लो एंड आराम से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। बस ये है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो अपना जो कंप्लीट टाइम है ना वो अपनी स्टडीज को दे दो, एंड बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल है उन सबको अवॉइड करो, बिकॉज मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी है आपको फुल स्कोर करना, अभी अच्छे मार्क्स लाना। या तो आप फुल ही स्कोर कर सकते हो या फिर उन डिस्ट्रैक्शंस में ही फंसे रह सकते हो, द चॉइस इज योर्स। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।